नामा पिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम कर्मा पिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी कर्पात्री जी महाराज की श्री जगन्नाथ महाप्रभु की श्री बलभद्र महाप्रभु की भगवती सुभद्रा देवी की हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय नमो महाद्य शंभो शिव 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 नारायण 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 श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध अध्याय एक श्लोक 41-42 हिरण्यकशिपुपुत्रं प्रह्लादं केशवप्रियं जिघांसुरकरोन्नानायातनमृत्युहेतवे
सर्वभूतात्मभूतं तं प्रशान्तं समदर्शनम् भगवत्तेजसा स्पृष्टं न शक्नोद्भन्तुमुद्यमैः नारायण। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद थे, केशव प्रियम भगवान के वे प्रिय थे और भगवान उनके प्रिय थे। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने श्री मुख से यह तथ्य उद्भाषित किया कि कौन मुझे प्रिय होते हैं। साथ ही साथ भगवान का गीता में यह भी वचन है कि ये अथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति भगवान को जीवन का विषय बना लेता है, भगवान भी उस पर रिझ जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री करपात्र महाभाग कहा करते थे, भगवान प्रेम के विषय ही नहीं अपितु प्रेम के आश्रय भी हैं। जीव भगवान को प्रेम का विषय बनाता है, भगवान भी जीव को प्रेम का विषय बना लेते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ये जाने, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान प्रीति के विषय हैं, जीव उनको प्रीति का विषय बनाता है, भगवान भी जीव को प्रीति का विषय बना देते हैं। प्रेम करना भगवान जानते हैं। प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने ब्रजवासी कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं अवधवासी, जानत प्रीति रीति रघुराई। इसलिए केशव प्रियम, केशव प्रियम भगवान के लाडले प्यारे थे, भगवान के प्रति उनकी अगाध आस्था प्रीति भी थी। लेकिन ऐसे अपने ही पुत्र भगवत भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने मारने के भावना से विविध प्रकार की यातना दी। जिघाम सुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा का जिनको ठीक से ज्ञान नहीं होता, वे अन्यों में प्रीति, आत्मा के लिए अपने में प्रीति भी आत्मा के लिए ही करते हैं, बात ठीक है। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं, आत्मा शेष ही है, अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। तुलसीदास जी ने तो बहुत विचित्र बात कह दी, सुर माने देवता, नर मनुष्य और ऋषि मुनि भी क्या है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। इसी श्रुति का अनुवाद, कोई अपवाद स्वरूप हैं, हे तु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। जिनको आत्मा का वास्तविक स्वरूप विदित है, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को ही जो आत्मा नहीं मानते, ऐसे महान भावों में सर्वोत्कृष्ट कौन है, तुम तुम्हार सेवक। भगवान निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं क्योंकि परिपूर्ण हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन शेष नहीं है। जिस स्वार्थ की सिद्धि के लिए वे स्वार्थ के वशीभूत होकर प्रेम करें,
और कोई भगवान के जो सिद्ध भक्त होते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच, वे भी स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं। बाकी सृष्टि का नियम है स्वार्थ लागी। एक लाला जी दुकान पर बैठे हों, देहात की ओर ऐसे देख रहे हों, हृष्ट पुष्ट कोई श्रमिक जैसा व्यक्ति आ रहा हो, देखते ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। वो श्रमिक भी लाला जी को देख के मन में ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है, इस लाला के यहाँ कहीं नौकरी मिल जाए तो बस काम सध जाए। लाला सोचते हैं वह हृष्ट पुष्ट जो आ रहा है मजदूर जैसा, कहीं हमको मिल जाए तो खूब सेवा करे। दोनों में स्वार्थ को लेकर गठबंधन हो जाता है, लेकिन बीच में मर्यादा अगर ला कर रख दें तो कोई किसी का शोषक नहीं होता, उचित पोषक बन जाता है। पति पत्नी का सबका व्यवहार स्वार्थ के वशीभूत होकर ही होता है। स्वार्थ भी सुमंगल तब हो जाता है जब बीच में मर्यादा को लाकर प्रतिष्ठित कर देते हैं। किसी का शोषण न करना, सबके पोषण में जीवन का उपयोग करना, अन्यों से स्वयं को पोषित करते हुए भी, पुष्ट करते हुए भी किसी का शोषण न करना, उसके पोषण का भी ध्यान रखना, यह संसार की रीति। तो यहाँ यह है कि पुत्र के प्रति भी विद्वेष हो गया और लाडले प्यारे पुत्र प्रहलाद को मरवाने के लिए जितने भी षड्यंत्र लौकिक दृष्टि से संभव थे सब का आलम्बन लिया उसने। क्यों? भगवान और भगवान के भक्त के प्रति द्वेष करना उसका स्वभाव था, वही उसके तरने का उपाय था। आखिर वो भगवान का शापित भक्त था। शापित भक्त के दो लक्षण होते हैं, भगवान से द्वेष करेगा और भगवत भक्तों से द्वेष करेगा, तब तो तरने का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान से द्वेष किए बिना, भगवत भक्तों से द्वेष किए बिना तर ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान ने भी प्रहलाद को भेजा ही था कि पुत्र बन के जा, उसके तरने का मार्ग प्रशस्त कर। जिघम सुर करो नाना यातना मृत्यु हे तवे, इसका मतलब ऐसे ऐसे उपायों का अनुसंधान किया जिससे प्रहलाद मर जाते लेकिन असमर्थ सिद्ध हुआ। कल हमने कहा था नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम धाति पावक नचैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, भगवान श्री कृष्ण का वचन। आत्मा के लक्षण हैं, लेकिन आत्मा के लक्षण भी प्रहलाद के शरीर में व्याप्त हो गए। विचित्र बात, आत्मा का लक्षण प्रहलाद के शरीर में व्याप्त कैसे हो गए? कल मैंने उदाहरण दिया था, दाहक प्रकाशक जो अग्नि है, प्रज्वलित अग्नि, उसमें काला कलूटा लोहा लाकर रख दें तो अभी अग्नि के संपर्क और संस्पर्श के प्रभाव से दाहक प्रकाशक बन जाता है। तो शीतल लोहा भी दाहक बन जाता है, काला कलूटा लोहा भी प्रकाशक बन जाता है। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण त्वचित ही हैं, लेकिन आत्मा के योग से, आत्मयोग से ये चेतन हो जाते हैं, चेतन सदृश हो जाते हैं। इसीलिए कहा आत्मा के जो लक्षण हैं वो देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में व्याप्त हो जाएं। विशेषकर स्थूल शरीर को मारने का प्रयास किया जाता है, सूक्ष्म कारण शरीर को मारना तो किसके बस की बात है? तत्व ज्ञान के बस की बात है, और किसी के बस की बात नहीं है। जीवित व्यक्ति को भी आग की भट्टी में झोंक दें तो आग किसको जलाएगी? सूक्ष्म शरीर को जलाएगी या कारण शरीर को या स्थूल शरीर को?
महाप्रलय की भट्टी में वो क्षमता नहीं है कि सूक्ष्म कारण शरीर को जला दे। विलय तो हो सकता है, ज्ञानाग्नि, गीता का चौथा अध्याय, ज्ञानाग्नि सबसे उत्कृष्ट अग्नि है। क्या हुआ, मृत्यु रूप अग्नि, उससे ऊपर की अग्नि कौन है, प्रलय की अग्नि, उससे ऊपर की अग्नि महाप्रलय की अग्नि। महाप्रलय की अग्नि में भी जीवत्व का दाह नहीं होता, विलय ही होता है। तत्वज्ञान अग्नि जो है, तत्वज्ञान रूप जो अग्नि है, वो सबसे भयंकर है, सबसे प्रचंड है, क्योंकि सूक्ष्म कारण शरीर के भी दाह में समर्थ है। इसलिए सबसे उच्च अग्नि कौन है, ज्ञान अग्नि, भस्मसात करने में समर्थ है। तो यहाँ पर कहा गया कि प्रहलाद के शरीर को नष्ट करने के लिए जितने लौकिक उपाय हो सकते थे बुद्धिपूर्वक सब का प्रयोग किया, लेकिन प्रहलाद को मारने में हिरण्यकश्यपु समर्थ नहीं हुआ। किसी के प्रतिकूल हो जाइए, ना कोई शिष्य है, ना कोई गुरु, क्या ना कोई पत्नी है, ना कोई पति, ना कोई पुत्र है, और ना पिता, ना कोई भाई है, जिसके प्रतिकूल हो जाएंगे या किसी के मन में आशंका हो गई कि हमारे प्रतिकूल हैं, वही काल हो जाएगा। क्या पूरा संसार काल की भट्टी है, प्रतिकूलता जहाँ हुई वहाँ द्वेष हो ही जाएगा, कोई सिद्ध हो तो द्वेष नहीं होगा। इसलिए पुत्र के ही मारने के लिए अनेकों प्रयास किया। क्या सब प्रयास हो सकता था, आंधी तूफान के द्वारा उसे उड़ाने का, शुष्क करने का, नष्ट करने का प्रयास किया, वायव्यास्त्र का प्रयोग कर दिया, मांत्रिक अस्त्र शस्त्र अग्नि में झोंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से शरीर को विद्ध करने का पूरा प्रयास किया, तो जैसे आकाश वायु के द्वारा उड़ाया नहीं जा सकता, अग्नि के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, तेज जल के द्वारा आर्द्र नहीं किया जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, पर पार्थिव अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छिन्न भिन्न नहीं किया जा सकता, ऐसे ही आकाश कल्प हो गया। किसका शरीर, प्रहलाद का शरीर, आत्मकल्प हो गया, आकाशकल्प हो गया, नैनम छिन्नंत। अभी विचित्र बात है, ये आत्मा का लक्षण है या आकाश का, आकाश में भी ये लक्षण चरितार्थ होते हैं तो अतिव्याप्त कहेंगे क्या, नैनम छिन्दंति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयंत आपुन शोषयति मारुता है, आकाश में भी ये सब लक्षण चरितार्थ हो जाते, भगवान की वाणी में तो दोष नहीं हो सकते। तो भूताकाश और चिदाकाश दोनों में लक्षण लग जाते हैं, लेकिन प्रलयाग्नि को सहने में आकाश समर्थ नहीं है, इसलिए नहीं तो ये सामान्य अग्नि, तो हमने उदाहरण दिया ना, वायु को, वायु के आकाश को शुष्क करने में, उड़ाने में समर्थ है, आग आकाश को जलाने में समर्थ है, जल आकाश को गीला करने में समर्थ है, पार्थिव शस्त्र आकाश को छिन्न भिन्न करने में समर्थ है, नहीं, लेकिन प्रलयाग्नि आकाश को भी नष्ट करने में समर्थ है। तो आत्मा में लक्षण चला गया, आकाश में लक्षण नहीं गया। सामान्य अग्नि की दृष्टि से देखें तो आत्मा का वर्णन है, आकाश का कहना कठिन है, क्योंकि आकाश में भी सब लक्षण चले गए, चला जाता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः, आप बहुवचनांत होता है, ये जल जो है आत्मा को आर्द्र गीला नहीं कर सकते, क्या करें, दिन रात वर्षा हो रही है, आकाश इतना गीला हो गया है कि सूखते ही नहीं। क्या अगर कोई कहे तो किस क्या अर्थ होगा, सुरेश महापात जी, क्या होगा अर्थ, बात तो नहीं है या सत्य बोलता है ऐसा व्यक्ति,
हाँ ठीक, इतनी बात तो समझ में आ रही है। आजकल दिन रात वर्षा हो रही है, हजार प्रयास करने पर भी आकाश को सुखाना चाहता हूँ, सुख ही नहीं रहा, इतना गीला हो गया आकाश। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अर्जुन ने ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया कि आकाश ही छिन्न भिन्न हो गया। इतनी वर्षा हुई कि आकाश ही गीला हो गया। अरे श्मशान में जो आग होती है ना, दिन रात जलते जलते आकाश को ही जला देती है वो। इसका मतलब आकाश जैसे पार्थिव अस्त्र शस्त्रों से छिन्न भिन्न नहीं होता, जल से गीला नहीं होता, तेज से अग्नि से जलता नहीं, वायु से क्या है शुष्क नहीं होता। एक बहुत बढ़िया श्रौत मुनि के कोई संत थे, और मैं दिल्ली में अशोक विहार में कहीं चौमासे में ठहरा, छत पर घूमता था, वो आ गए। उन्होंने कहा, या मेरे ख्याल वहाँ उन्होंने कहा, महाराज बहुतों को पूछा कहीं उत्तर नहीं मिला, बहुत मैं चिंतित हूँ। उन्होंने क्या, न शोषयति मारुता, गीता में लिखा है भाष्य आदि पर मैं कहीं इसका उत्तर नहीं दिया गया, जब प्रश्न उठाया गया, शोषण अग्नि का काम है लेकिन वायु का काम कह दिया भगवान ने, न शोषयति मारुता, गीले कपड़े को रस्सी पे डोर पे डाल देंगे तो क्या होगा, गीलापन का शोषण वायु तत्व करेगा या अग्नि तत्व करेगा? हाँ, अग्नि तत्व करेगा या वायु तत्व? अरे वो जो गीलापन को कौन खत्म करेगा? वायु। तो वास्तव में तो अग्नि ही है ना, शोषण कौन करेगा, क्या आर्द्रता का शोषक कौन होगा? लेकिन नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम धाति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। तो शोषण जो है अग्नि का स्वभाव है, वायु का स्वभाव भगवान ने कैसे कह दिया? उन्होंने कहा कि बहुतों से पूछा, ठीक उत्तर कोई नहीं, भाष्य आदि में इसको सरल समझ के उठाया ही नहीं गया प्रश्न। हमने कहा ठीक है, संवर्ग विद्या का उपनिषदों में वर्णन है, संवर्ग उससे उत्तर मिलेगा। तो भागवत आदि में विचार करें तो शोषण भी वायु का स्वभाव बताया गया, वायु के हवा के चलने से कपड़े सूख जाते या नहीं, तो वास्तव में हवा के चलने से वायु में जो संसर्ग सुलभ अग्नि काम से है, तेज काम से है, उसी से वो कपड़ा का गीलापन, वस्त्र का गीलापन सूखता है या नहीं। शोषण अंत में वायु का कार्य न होकर तेज का कार्य ही सिद्ध होता है, अग्नि का कार्य ही सिद्ध होता है। जैसे बटलोई में जल रखेंगे, नीचे से चूल्हे के माध्यम से क्या होगा, शोषण कौन करेगा, जल कम होता जाएगा या नहीं, वास्तव इसका अर्थ कौन है, अग्नि। तो शोषण अग्नि का काम है, लेकिन भगवान ने कहा न शोषयति मारुता है, तो संवर्ग विद्या है। संवर्ग विद्या का अर्थ होता है, संवर्ग माने निगल लेना, लीन कर लेना, वायु का अपना स्वभाव है संवर्ग, लीन कर लेना। और नैनम दहति, दाह जो है अग्नि का स्वभाव बताया, शोषण वायु का स्वभाव बताया, मृदु अग्नि का नाम है शोषण। मृदु अग्नि का स्वभाव क्या होगा, शोषण, प्रचंड अग्नि का स्वभाव होगा दाह। तो शोषण ले गए भगवान का वायु की ओर, दाह ले गए अग्नि की ओर। ये सब है ना, तुक तुक नहीं है, ये सब अंतरंग रहस्य है, तुकबंदी अलग चीज़ है। तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम धाति पावक, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति शोषयति मारुतः। शोषण का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, विलीन करने में समर्थ नहीं, और वायु में भी जो शोषण की क्षमता है वो
अग्नि के संसार से ही, अग्नि से वायु की, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है और अग्नि का वायु में संचार हो जाता है। क्या अग्नि का यहाँ पर क्या होगा, हवा चल रही हो, अरे बहुत शीतल वायु है, तो शीतलता किसका स्वभाव है, जल का या वायु का? लेकिन वायु जल के गुण का संचार हो जाता है किसमें, वायु में। लू चल रही है तो हवा जो है गर्म तो नहीं है, हवा तो गर्म नहीं है, गर्मी तो लग रही है लू, तो अग्नि के गुण को आत्मसात कर लेता है वायु तत्व। आत्मसात करने के कारण सर्दी है, ठंडी हवा चल रही है भाई, गर्म हवा चल रही है भाई, लोक में बोलते हैं या नहीं, हवा और गर्म संभव ही नहीं है, हवा और शीतलता संभव नहीं है। बस ये हवा क्या है, आँख को बिल्कुल धूल से भर रही है, इसका मतलब पृथ्वी के जो रज हैं उनका संसार ऊपर, आकाश एक ऐसा तत्व है, आकाश को पृथ्वी धूमिल करने में, जल आर्द्र करने में, तेज दाह करने में, वायु शुष्क करने में समर्थ नहीं। यह तो यह हुआ, तो पार्थिव अस्त्रशस्त्रों के द्वारा, वारुण अस्त्रशस्त्रों के द्वारा, आग्नेयास्त्र के द्वारा, वायव्यास्त्र के द्वारा भी मरवाने का प्रयास किया प्रहलाद को, लेकिन समर्थ नहीं हुए। चलता फिरता क्या हो गया, आकाशकल्प आकाश शरीरम ब्रह्मा, तैतृय उपनिषद। कितने प्रकार के शरीर होते हैं वैशेषिकों के अनुसार, अब देखो इससे ये सब निकलेगा दर्शन। एक बार क्या हुआ, श्री भूमा निकेतन में हम पहुँचे, शंकराचार्य नहीं थे, भूमानंद जी महाराज बिल्कुल क्या करते हैं मालूम है, वो जो ब्याज असूलने वाले ब्राह्मण परिवार के थे, दंडी स्वामी होने पर भी वो ना कागज़ की लगे रखते थे। एक बार हमसे कहा मेरठ में, सुनो 10-15 दिन हमारे आश्रम में समय दिया करो। हमने कहा अच्छी बात है, प्रवचन सुनाया करो। हमने कहा अच्छी बात, फिर भोजन देऊंगा और दक्षिणाक्षा बिल्कुल नहीं। हमने कहा कौन मांग रहा है, और कमरा एक मिलेगा, उसमें चाहे तुम चिन्मयानंद जी या 50 व्यक्ति को ला के रखो, दो कमरा नहीं दूंगा। हमने कहा ऐसा क्यों कह रहे, सुनो तुम समझोगे कि केवल भोजन के बल पे रह रहा हूँ, दक्षिणा कुछ नहीं, मैं समझूंगा कि इसके नाम पर रोज 15,000 मेरा खर्च हो रहा है। नहीं समझा भी ना, अब तो आप क्या जानो, बाबा हो त्यागी। गर्मी के दिनों में जो यात्री आते हैं, 2 घंटे कोई एक कमरा खोल दिया, 25,000 दे जाते हैं, 15,000 दे जाते हैं, भंडारा करा जाते हैं। एक एक कमरा, हरिद्वार आदि में ऐसे थोड़े कमरे होते हैं, एक कमरा एक दिन 50,000 दे देता है, समझे ऐसा काम से। तुम समझोगे कि केवल भोजन पे प्रवचन कर रहा हूँ, मैं समझूंगा कि इसको रखने पर रोज ही मेरे 50,000 का घाटा होता है। हमने कहा अब मैं समझ गया। बाबा होने पर क्या वहाँ होता है, बहुत बड़ा व्यापार है। हाँ अब आंखें खुल रही हैं। 3 घंटे के लिए अमुक ग्रुप आया, अब पिकनिक करके चला गया ऋषिकेश की ओर, हरिद्वार से। 3 घंटे में उसने भंडारा के रुपया दे दिया, 15,000 चढ़ा गया, रसीद ले गया। फिर कोई शाम को आया, कोई रात में रुकने के लिए आया, एक कमरा मान लो 24 घंटे में उन दिनों 40,000-50,000 दे जाता था। तुम सोचोगे कि भोजन पे पड़ा हूँ, मैं सोचूंगा कि इस पर मेरा रोज इतना खर्चा होता है, समझ गए। बिना दक्षिणा के भी दक्षिणा देने वाला हुआ है नहीं, हमने कहा बिल्कुल समझ गया मैं। तो भागवत की कथा चलती थी वहाँ, अग्निहोत्री जी एक थे लखनऊ के, वो करते थे।
हमसे कहा कि मैंने सुना है तुम कथा कहते वृंदावन में, तुम ही कहा करो। हमने कहा अच्छी बात, कोई संवाद था, कोई वहाँ दर्शन का विषय नहीं था, वो हमने 15 दिन उसी में लगा दिया। तो बड़ा विकट बात है, इससे कहाँ से ले आया ये दर्शन। विष्णु आश्रम जी महाराज ने मेरी परीक्षा ली बिहार घाट में, कहा 1 महीना रह, ऐसे बोलते थे, 1 महीना रह गया। भागवत कथा का मैं कुछ नहीं कहूँगा, सुनूँगा। हर दिग्गज विद्वान वहाँ के बिहारी ये सब सुनते थे, नरवर के पंडित लोग भी सुनते थे। पहला अध्याय एकादश स्कंद का 30 दिन में 3 घंटे बोले, वो पूरे नहीं हुआ। अरे पहले अध्याय एकादश स्कंद में क्या लिखा है, कुछ तो नहीं, केवल ऐसा हो यदकुल के संहार का वर्णन, वहाँ कहाँ से दर्शन ले आया। तो दर्शन तो सब जगह है, इतिहास में भी दर्शन है। इसलिए कहा हिरण्यकश्यपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम, समझ गए भृगु जी एक कमरे की कीमत कितने होती है रोज। हाँ अब ऐसा ही आश्रम आप बनाइए पूरी में। बाबाओं का व्यापार कौन समझ सकेगा। फिर मालूम है और बता दें, एक व्यक्ति परमार्थ आदि में जो चलता है ऐसे घूमते हैं बाबा, दो रोटी सबको, तो उसमें क्या होता है मालूम है। अब बहुत से तो फोन आदि के द्वारा आज हमारी ओर से बाबाओं को 2 रोटी मिले, अब वहाँ के यजमान खड़े नहीं रहते, कोई कोई यजमान आते हैं, एक दिन में 15 यजमान तैयार हुआ, 2-2 रोटी, मान लो 50 महात्मा आए, 2-2 रोटी की कीमत एक व्यक्ति से ले ली। अब वो क्या होगा, यजमान है 25, वो कहाँ गया धन। तो 2 रोटी देने के नाम पर भी कितना मिल गया आश्रम को, बाबा को। ऐसे चलता था आश्रम, चलता है बहुत सा आश्रम, यहाँ तो सब कुछ है नहीं। यही कहा, इसका अर्थ क्या हुआ, बारने का बहुत प्रयास किया लेकिन आकाश शरीरम ब्रह्मा, प्रहलाद के शरीर में भी तो मैंने यह कहा कि वैशेषिकों के अनुसार नैयायिकों के अनुसार शरीर के कितने प्रभेद होते हैं, उनके यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु में कार्य कारण भाव आपस में नहीं है, सबके परमाणु जो हैं भिन्न भिन्न हैं। तत्त परमाणुओं के योग से द्वणकादि के द्वार से बृहद पृथ्वी जल तेज वायु की संरचना होती है वैशेषिक न्याय के अनुसार, लेकिन उनके यहाँ मर्त लोक में कौन सा शरीर होगा, पार्थिव। हम लोग बोलेंगे पृथ्वी प्रधान, वो कहेंगे केवल पार्थिव। वरुण लोक में किस प्रकार का शरीर होगा सूर्य जी, जले जले जल से वरुण, वारुण वरुण, वरुण कौन है, जल के देव। तो जा और सूर्यमंडल में कौन सा शरीर होगा, तेजस। वायुमंडल में कौन सा शरीर होगा, वायव्य। शरीर के 4 भेद हो गए, किसके अनुसार, वैशेषिक दर्शन के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, परमाणुवाद के अनुसार, आरंभवाद के अनुसार। अब ये सब दर्शन निकल रहा है ना इसमें, सीधी तो बात है, जिगांश रकरो नाना यातना मृत्यु हेतवे। नाना की व्याख्या निकल रही है कहाँ से, वो दर्शन शास्त्र से। अब वेदांति क्या कहेंगे, नहीं आकाश का भी शरीर होता, वो कहेंगे कि आकाश विभु है, विभु के परमाणु नहीं होते क्या, पृथ्वी जल तेज वायु ये क्या हैं, सावयव हैं, कार्य कोटि के पदार्थ हैं, परमाणु की दृष्टि से परमाणु जो है कारण है, आकाश के परमाणु नहीं होते, इसलिए आकाश से निर्मित कोई शरीर नहीं हो सकता। कौन कहेंगे, नैयायिक वैशेषिक आरंभवादी, 4 प्रकार का ही शरीर होता है या 4 प्रकार के ही शरीर होते हैं। मर्त्यलोक में कौन सा शरीर होगा, पार्थिव, पृथ्वी का कार्य। वरुण के लोक में वारुण, अग्नि के लोक में या सूर्य मंडल में तेजस, वायु लोक में वायव्य शरीर होगा।
लेकिन सांख्य प्रस्थान के अनुसार विचार करें तो आकाश भी कार्य है, परमाणुवाद वहाँ नहीं है, परिणामवाद है, वेदांतियों के यहाँ भी सत्कार्यवाद है और सांख्यवादियों के यहाँ भी सत्कार्यवाद है। दोनों में अवान्तर भेद हैं, परिणाम को लेकर, विवर्त को लेकर, लेकिन सत्कार्यवाद दोनों के यहाँ है। तो हमने संकेत किया कि वेदांतियों के मत में आकाश, आकाशी नाभिक शरीर भी हो सकता है, नाभिक की तरह नाभिक शरीर भी हो सकता है। तो योगी जो है क्या आकाश, उनका आकाश शरीरम ब्रह्मा। सामान्य रूप से शरीर के चार भेद होते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु को लेकर शरीर की। हम लोग कहेंगे पृथ्वी प्रधान, जल प्रधान और कौन, अग्नि प्रधान, वायु प्रधान शरीर। लेकिन आकाश को लेकर भी शरीर हो सकता है। एक बार दत्तात्रेय महाराज और गोरखनाथ जी मिल गए, दोनों सिद्ध। गोरखनाथ जी ने बार बार कहा, अरे भाई कुछ हम लोग खेल खेलें, क्या क्या अर्थ हुआ, खिलौना बदल जाता है, खेल तो जीवन भर चलता रहता है, क्या खिलौने बदले या खेल भी, खेल की भावना बदलती है क्या जीवन भर? बच्चे के खिलौने कौन है, मालूम है रुंझुन रुंझुन ये सब आजकल मोबाइल। हाँ आजकल मोबाइल से आँखें बेचारे की सब बच्चों खराब हो रहे हैं, मोबाइल से उनका सब काम शुरू होता है भाई। पहले वो सब खिलौना उलाना रुंझुन रुंझुन, बाद में फिर पत्नी बेटे सब खिलौने के रूप में आ गए। खिलौने बदल जाते हैं, खेल की वृत्ति नहीं बदलती, क्या खेल का स्तर बढ़ जाता है। फिर और नोटों के बंडल से कोई खेलते हैं, खेल खिलौने बदलते हैं, खेल की वृत्ति नहीं बदलती, अवस्था के अनुसार ही कौन क्या खेलता है। खेल है, प्रवचन भी खेल है, पाठ पढ़ना भी खेल है, खेल का स्वरूप स्तर बदल गया, खेल की भावना बनी रहती है। कहा भाई हम लोग भी खेलें, तो क्या खेलें, हम भी खेलते हैं, समय मिल जाए तो 10-15 मिनट, तो मानसरोवर कैसे लेना है, भारत को अखंड कैसे करना है, क्या और 10-20 हज़ार नहीं 10-20 लाख सैनिक चाहिए, जो परिस्थिति है उसके दमन के लिए, ये सब चलता है, हमारा खेल वही चलता है 10-15 मिनट रोज कम से कम। वैसे तो जीवन ही इस प्रकार की स्वस्थ क्रांति के लिए है, खेल बदल जाता है, खिलौने बदल जाते हैं, खेल की भावना, खेल का प्रकार बदलता है, व्यक्ति जीवन भर खेलते ही रहता है, बाल गोपाल ही बना रहता है। आधार तो जिसका है उसकी प्रधानता कही है कि पृथ्वी का आधार, तेज का, जल का आधार, अब तो न्याय की प्रधानता में हमारे यहाँ की प्रधानता में क्या अंतर है? क्या हुआ, पंचीकरण वो नहीं मानते ना, हम लोग पंचीकरण मानते हैं ना, उन हमारे यहाँ आकाश का कार्य वायु है, वायु का कार्य तेज है, तेज का कार्य जल है, जल का कार्य पृथ्वी है, पंचीकृत पंचभूत में ये आपने बताया ना रेशियो अनुपात, 1/2 अपना, 1/8, 1/8, 1/8 दूसरों का, 1/8 धन, 1/8, 1/8, 1/8 कौन सूर्य जी, 1/8 को 1/8 से, फिर 1/8 से, फिर 1/8 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, बड़ा कठिन काम, ओहो इतना बड़ा गणित है, 1/8 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 इज इक्वल टू 1/2। हाँ अब बुद्धि काम कर गई, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू, लो ये तो बता दो, हाँ एक ठीक हो। यही ना, उनके यहाँ आकाश का कोई कार्य नहीं होता, पृथ्वी जल तेज वायु में कार्य कारण भाव नहीं होता, वायु का कार्य तेज, तेज का कार्य जल, जल का कार्य पृथ्वी नहीं, चारों भूतों के परमाणु स्वतंत्र हैं, पृथ्वी के परमाणु, जल के, तेज के, वायु के, एक दूसरे का मिश्रण वो लोग मानते नहीं सामान्य रीति से, तो कोई शरीर पृथ्वी से ही, दो परमाणु मिल गए तो द्वणुक,
फिर तीन से त्रसरेणु ऐसे करके आरंभवाद, बृहद पृथ्वी की, बृहद जल की, बृहद तेज की, बृहद वायु की रचना हो जाती है। ऐसा उनके यहाँ चातुर्भौतिक शरीर नहीं होता, माने चार भूतों से मिला हुआ या पांच भूतों से मिला हुआ शरीर नहीं होता। उनके यहाँ चातुर्भौतिक का अर्थ होगा कोई पृथ्वी ही पार्थिव ही शरीर, कोई वारुण ही शरीर, कोई तेजस ही शरीर, कोई वायव ही शरीर, पृथ्वी की प्रधानता से जल, ये सब वो नहीं मानेंगे। उनके यहाँ सभी भूत स्वतंत्र हैं और आकाश नित्य है, उनके आकाशकारी ही नहीं। पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु भी उनके यहाँ नित्य ही होते हैं, महाप्रलय में भी रहते हैं। ये सब हुआ, क्या चल रहा था? तो नाना प्रकार से उपद्रव किया मारने के लिए। तो आकाश की बात कह रहे थे दत्तात्रेय जी और गोरखनाथ जी। दत्तात्रेय जी ने कहा बस खेल की बीमारी अभी बनी हुई है, अरे कुछ खेलेंगे हम लोग, अपने स्तर से खेलेंगे। क्या खेलोगे बोलो? तुम छिप जाओ, मैं ढूंढूँ और मैं छिप जाऊँ, तुम ढूंढो। बच्चे लोग कहते हैं ना छिपके, आँख में चौनिया क्या बोलते हैं। दत्तात्रेय ने कहा नहीं मानते तो तुम छिप जाओ, मैं ढूंढूँ, मैं अभी नहीं छिपूंगा। गोरखनाथ जी छिप गए, छिप के क्या हो गए, कहीं उन्होंने योग बल से चीटी का रूप धारण कर लिया, योग बल से मक्खी का रूप धारण कर लिया, ऐसे कहीं सांप का, कभी बिच्छू का, कभी किस, अरे तुम ये हो ना गोरख, अरे पहचान लिया। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम छिपो, मैं ढूंढूं। अच्छा लो, दत्तात्रेय जी ने भावना की मैं आकाश हो जाऊं। अब ढूंढते ढूंढते यहाँ बिच्छू बने हुए होंगे या मच्छर बने हुए होंगे या चींटी बने हुए होंगे क्या, अंत में रोने लग गए, अरे तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, प्रकट हो जाओ। दत्तात्रेय जी प्रकट हो गए, क्या क्यों रो रहे हो, ढूंढ नहीं पाया भाई, मैं हार गया तुम जीत गए, जैसे बच्चे खेलते हैं ना, चड्ढी भी देते हैं, फिर चड्ढी भगवान श्री कृष्ण भी हार जाते थे खेल में, तो लता के लगाम लगा के उनको घोड़े बना के दामा ऊपर चढ़ जाते, टिक 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 लीला में भगवान हार भी जाते थे। कहा हम ढूंढ नहीं पाए, इसका कारण क्या है बताओ। अरे मैंने संकल्प किया कि आकाश हो जाऊँ तो कहाँ ढूंढते थे, मक्खी हो जाऊं, मच्छर हो जाऊं, तब तो ढूंढे गए, तो हमने संकल्प किया आकाश हो जाऊं। तो यो उपनिषदों में ऐसे उपाय का वर्णन है कि योगी चाहे तो धारणा के द्वारा आकाश से तादात्म्यपन होकर आकाश हो जाए, वायु हो जाए, तेज हो जाए, जल हो जाए, पृथ्वी हो जाए, और क्या चाहे तो छांदोग्य उपनिषद में भी वर्णन है, गंधर्व हो जाए, यक्ष हो जाए, किन्नर हो जाए। ये किन्नर नहीं, लोक के किन्नर तो बहुत ऊँचे ही है, इनका नाम किन्नर रख दिया गया है, तो किन्नर तो बहुत ऊँचे होते हैं। किम नर, नर शरीर का परलक्षित होने पर भी नर नहीं, वो किन्नर। यहाँ किन्नर सब दूसरे अर्थ में चलता है। तो हमने क्या कहा, इसी प्रकार से अब आकाश को जैसे पार्थिव अस्त्रशस्त्र, वारुण अस्त्रशस्त्र, तेजस वायव्य अस्त्रशस्त्र से भिन्न नहीं कर सकते, वैसे प्रहलाद के शरीर को भी। हमने उस दिन क्या बताया था, एक ने कहा शंख नहीं चाहिए, अभी क्या चाहिए, चक्र चाहिए, वक्ता बोले थे। अंत में हमने कहा शंख आप क्या, शंख जो है मारक नहीं है क्या, स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत। भगवान ने शंख बजाया, पांडवों को शंख ने क्या किया, आह्लादित कर दिया, और दुर्योधन इत्यादि के हृदय को या भट्टा बैठा दिया। स घोषो धार्त राष्ट्राणाम हृदयानी व्यदारयत। भगवान पंचभूतों को अस्त्र शस्त्र बना के रखते या नहीं, शंख क्या है, नाभिक आकाश से निर्मित है या नहीं, शब्द गुण है या नहीं, बांसुरी क्या है, सबसे ऊंचा अस्त्र शस्त्र है वो कौन, बांसुरी और शंख। वायु तत्व को अस्त्र बनाते हैं तो उसका नाम गदा कैमुतिक,
कैमुतिक न्याय लो उधर गदा का नाम कौमुदिकी गदा वायु तत्व है, चक्र जो है कौन है तेज, सुदर्शन उससे चक्र हैं, कौन है तेज, और जल और पृथ्वी को मिला दें एक कर दें तो जलज पंकज कमल जो हाथ में रखते हैं वो क्या है, वो भी अस्त्र शस्त्र है, किसी को मोहित कर ले वो भी मोहक भी है, मारक तारक मोहक उच्चाटक सब, भगवान जो है पांचों भूतों को अस्त्र शस्त्र बनाकर आयुध बनाकर धारण करते या नहीं। आकाश संबंधी कौन अस्त्र है, लो सुरेश महापाद भगवान चतुर्भुज हैं, आकाश संबंधी कौन अस्त्र धारण करते हैं, शंख, वाह, वायु संबंधी वायव्य चक्र नहीं गदा, वाह, हाँ, और तेजस चक्र, पार्थिव और वारुण क्या है कमल जलज पंकज, ये चारों इसी प्रकार से। अब चलिए हो गया जी, घाम सुरा करो नाना यातना मृत्यु हेतवे। अब कहते हैं इसमें हेतु क्या भाई, हिरण्यकश्यपु जैसा बलवान, उसके लिए क्या लिखा था आगे, पहले क्या लिखा था मालूम है, दैत्य दानव वंदितौ, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ऐसे प्रतापी थे कि देवता की बात नहीं आई, दैत्य और दानव दित्य की परंपरा में तो ये थे ही, और दानव भी धनु की परंपरा में, सब उनको अपना आदर्श मानते थे, उनकी तेजस्विता के सामने कोई टिक नहीं पाते थे, इतना बड़ा जो तेजस्वी था हिरण्यकश्यपु वो अपने बेटे को मरवाने में या मारने में समर्थ नहीं हुआ, कारण क्या है देखिए, प्रहलाद के हाथ में कोई दंडा था क्या, छुरा था, चाकू, कुछ बम, सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम, ये सब ये क्यों है दार्शनिक अस्त्र शस्त्र है या नहीं, भगवत तेजसा स्पृष्टम न शक्नो धंतुमुद्यम, कितना श्लोक महान है ये, कितनी दिव्य भावना है, उधर तो क्या है पार्थिव वारुण आदि सब अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया गया, प्रहलाद तो निहत्थे थे, निहत्थे के निहत्थे के कितने हाथ, क्या निहत्थे के कितने हाथ और निशस्त्र के कितने शस्त्र, प्रश्न कर दिया जाए तो क्या है? आकाश निहत्था होता या नहीं, निशस्त्र होता या नहीं, जिसको पकड़ना चाहे पहले से पकड़े हुए या नहीं, पाँव आकाश के होते क्या, लेकिन जहाँ जाना चाहे वहाँ कोई भी वहाँ पहले से पहुँचा है या नहीं, हम हाथ के द्वारा पकड़ना चाहते हैं बहुत ऊंचे फल को वृक्ष में लगे हुए, आकाश वहाँ पहले से पकड़े हुए है या नहीं, यही हुआ सर्वभूतात्म भूतम, जिस जिसने मारने का प्रयास किया, जिस जिसने और जिसने मारने के लिए प्रेरित किया, हिरण्यकश्यपु ने प्रेरित किया, मारने वालों ने क्या किया प्रयास किया, प्रेरित करने वाले को भी अपना आत्मा मानते थे जानते थे, और प्रयास करने वाले को भी अपना आत्मा मानते थे जानते थे, इस दिव्य ज्ञान के सामने सारे अस्त्र शस्त्र और प्रेरक और प्रयासरत सब विफल हो गए, प्रशांतम प्रशांत थे क्षोभ नहीं, ये हुआ ना दिव्यास्त्र, क्या कौन सा दिव्यास्त्र, सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम, सर्वभूतात्म भूतात्मा जो होगा वो प्रशांत होगा या नहीं, प्रशांत क्यों होगा, किसी से उसको कोई खतरा नहीं है तो शांत रहेगा, इसने यह न डंक मार दे, यह न डंक मार दे, यह न अनिष्ट कर दे, किसी से कोई खतरा नहीं, आकाश जो है पृथ्वी जल तेज वायु का आत्मरूप है या नहीं, दृष्टांत में प्रशांत है या नहीं, प्रशांत है, और पृथ्वी जल तेज वायु को देखकर समदर्शन भी है, क्यों, ये तो मेरे चट्टे बट्टे हैं, मुझसे तो उत्पन्न हुए हैं कौन, वायु तेज जल पृथ्वी क्रम से, यहाँ प्रहलाद की बात है,
और देखिए पाठांतर क्या है नीचे टिप्पणी में, प्राचीन पाठ क्या है, सर्वभूत हृदयम सुहृदम, ये सर्वभूत सुहृदम सर्वभूतात्म भूतम का स्थान पर है, तम पहले है, तम को पहले जागे, तम सर्वभूत सुहृदम प्रशांतम समदर्शनम, ये प्राचीन पाठ है। नवीन पाठ है सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम सर्वभूत सुहृदम, गीता का पांचवा अध्याय सुहृदम सर्वभूतानाम भगवान ने कहा। सर्वभूत सुहृदम का अर्थ क्या हुआ, संपूर्ण प्राणी का जो हितैषी है, हितज्ञ है, हित करने में तत्पर है, पूज्य नारदानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से 10 साल में उनके संपर्क में था, एक ही बार यह वाक्य निकला, उसमें एक शब्द मैंने और जोड़ दिया, दोबारा नहीं निकला, जबकि वो 18 घंटे प्राय रोज बोलते थे। रात में उनको 10 बजे सुला दूँ तो 2 बजे उठ जाते थे और मौन रहते नहीं थे, तब वो तख्त पर लेटते तो मैं वहाँ, तो मैं 1.5 घंटा 24 घंटे में सो पाता था, वो 2 घंटे सोते थे 24 घंटे में, निद्रा विजयी थे वो। हाँ तो फिर हाँ तो ध्रुव जी सुनिए, हाँ महाराज सुनाइए, सो तो नहीं रहे, अच्छा मैंने जो बताया बताइए क्या बताया। और सब योजना, हाँ फरुखाबाद पर आक्रमण करके किसी महात्मा की दाल न गले, कौन सा प्रयास करना है कल, अमुक जगह अमुक जगह, ये सब योजना बनती थी, भगवान की चर्चा 5 मिनट वहाँ की, हाँ किसी महात्मा की लखनऊ में दाल न गलने पावे, ये सब सब समझ गए नहीं क्या करना है कल, अभी आप कौन सी योजना बनानी है, ओ सब प्रशिक्षण हमको। क्या फिर क्या होता था मालूम है, वो 10 बजे मान लो सुला दिया, 12 बजे जगे तो वो कहीं जग जाए, मुझे जगाना ना पड़े उन्हें, तो मैं 11:30 बजे उठ तैयार, 2 बजे से बोलते थे 5 बजे तक, उसके बाद वो था कि जहाँ रहें एमिस में कहें, वो 1 नंबर का सत्संग सुनने के लिए, 1 नंबर का उसी को मिलता था जो उनके पास रहता था, लेकिन 1 नंबर का सत्संग सुनने के लिए 25-30 साधक आ जाते थे, सर्दी में भी बड़ा आकर्षण था, शुक्लागंज में उन्नाव गंगा पार रहते थे, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर से साइकिल पर लोग जैसे तैसे उन दिनों 15-20 आ जाते, 1 नंबर का सत्संग सुनने, वो 5 बजे से 7 बजे तक होता था, फिर उनको स्नान कराऊँ, उसके बाद वो स्नान करने में उनको 15 मिनट लगता था, तर्पण करते समय भी मौन नहीं रहते थे दंड का। हाँ तो ध्रुव जी समझे या नहीं, हाँ हाँ महाराज समझ गए। उसके बाद फिर प्रवचन शुरू हो जाता था, फिर 11 बजे तक चलता था, बस समझ जाइए रात के 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चलते रहता था, स्नान में केवल 15-20 मिनट लगता था, उसमें भी ना हाँ और बाल भी अपने आप नहीं काटते थे, क्योंकि भगवान के रूप में पूछते थे, बाल काटना तो अपने मनुष्य का काम है ना, तो जो सेवा में रहेगा वही उनके बाल में तेल लगाएगा, बाल भी वही काटेगा, जटा भी वही काटेगा, हाँ अपना ये भी नहीं एकदम। ऐसे महापुरुष की सेवा में तो फिर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये कहा गया कि सर्वभूतात्म भूतम तम प्रसाद, तो उनके मुँह से एक ही बार निकला क्या, हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर व्यक्ति का मिलना बहुत कठिन है, हित हमारे रघुपति से सियपत सेवकाई सोहरलीन मात कुटिलाई, उसमें एक शब्द मैंने और जोड़ दिया है, हितैषी हो हितज्ञ हो हित करने में तत्पर हो समर्थ हो, 4 गुणों से युक्त व्यक्ति का मिलना दुर्लभ है या नहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए जो मैंने संदेश दिया था एक शब्द छोड़ के, अभवधीय हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर, वो उसको विष के समान लगा, और फिर उसने क्या किया, बस अयोध्या ही नेपाल में राम जी को नेपाली ही सिद्ध कर दिया। उसको आग के समान ही शब्द लगे, लेकिन मैंने लिखा था हितैषी हितज्ञ हित करने में तत्पर, भारत और नेपाल के संबंध को दशरथ जी जनक जी के संबंध को लिखा था, उसने क्या किया, अयोध्या अपना बनाना शुरू कर दिया और राम जी को नेपाली सिद्ध करना शुरू कर दिया, विपरीत बुद्धि।
सर्वभूतात्म भूतात्मा तम प्रशांतम समदर्शनम, जो सर्वभूतात्म भूतात्म सर्वभूतात्म भूत होता है, सर्वभूत सुहृद होता है, सुहृदम सर्वभूतानाम प्रशांत होता ही है, किसी से कोई सचमुच में उसे खतरा प्राप्त नहीं होता, क्यों समदर्शन हो जाता है सबको जब आत्मा स्वरूप समझेंगे, समवर्ती नहीं संपन्निता समदर्शन दर्शिना, समदर्शन तो होगा ना, वो समवर्ती नहीं होंगे लेकिन समदर्शन के अंतर्निहित समवर्तन बाहर से यथा योग्य वर्तन, भगवत तेजसा स्पृष्टम, और कौन सा गुण था भगवान के तेज से संस्पृष्ट एकदम रसभरे होते, रसभरी क्या और क्या कहते गुल क्या है, ऐसे निचोड़ते हैं वो निकलता रस क्या है, हाँ रसगुल्ला, वो विवेक जी वो क्या अच्छा लगता है ऐसे रसगुल्ला ही सुना होता, ऐसे रस टपकता रहता, बाकी उसके लिए शास्त्रों में लिखा है वो बाकी छोड़ना नहीं चाहिए, उसके सहित पाना चाहिए, रस निचोड़ के बाकी जो बच जाता है वो फेंकना नहीं चाहिए। भगवत तेज सा स्पृष्टम, भगवान के तेज से संस्पृष्ट, नाशक्नो धन्तु मुद्यतै ह, पहला गुण क्या हुआ, एक ही की व्याख्या है मूल से, सर्वभूतात्म भूता सर्वभूत सुहृद थे, सर्वभूतात्म भूतात्मा थे, प्रशांत थे, समदर्शन थे, तीन भगवान के तेज से उपब्रम्भित थे, तेज से स्पृष्टम उसे एकदम भगवत तेजसा स्पृष्टम, ना शक्नो धन्तु मुद्यतई है, अनेकों प्रकार के उद्यम करने पर भी उनको मारने में समर्थ नहीं हुए। एक श्लोक का अर्थ अगर अपने जीवन में ढाल ले व्यक्ति तो चलता फिरता आकाश हो जाएगा, यानी चिदाकाश स्वरूप हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का गोमाता की गोहत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपाते जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, हर हर महादेव।